फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। थाईलैंड का आईआईपी बढ़ा है, जर्मनी की ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन बढ़ी है, साउथ कोरिया का कर्ज घटने की संभावना है और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने की भी संभावना है। साथ ही साथ भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है उसके भी 3% बढ़ने की संभावना है। तो ये आज बाजार की कुछ अहम खबरें, जिसमें थाईलैंड के आईआईपी की बात करें तो वो बढ़ा है, वहीं जर्मनी की ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो बढ़ा है, साउथ कोरिया का जो कर्ज है उसके घटने की संभावना है और एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ने की भी संभावना है। और आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए अर्थशास्त्री। आकाश जी, सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत का जीएसटी लगातार बढ़ता जा रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और इस बार भी उसके 3% बढ़ने की और संभावना है। ये क्या इंगित करता है, भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति? बहुत ही बढ़िया प्रश्न के साथ आपने, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ आपने शुरुआत की है। देखिए, हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन का मतलब क्या है, हिंदुस्तान की तरक्की। जीएसटी कलेक्शन जब भी बढ़ता है तो देश की इकोनॉमी की तरक्की, देश के लोगों की कमाई की तरक्की बताता है। क्योंकि जीएसटी क्या है, जीएसटी तब देते हैं लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, एंड गो आउट फॉर एक्सकर्शंस, मूवीज, शॉपिंग। तो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, छोटे छोटे शॉप जो परिवार के साथ है वो पूरे करने के लिए लोगों के पास पैसा है। वो तब होता है जब लोगों की कमाई बढ़ती है। तो ओवरऑल इससे क्लियरली ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का दमखम दिख रहा है, हिंदुस्तान के आम आदमी की खुशहाली दिख रही है, वो भी उस समय में जबकि ग्लोबली स्लो डाउन के हालात। आज जब मैं यूएस में, यूरोप में अपने कुलीग्स और मित्रों से बात करता हूं तो जनरल परसेप्शन ये है कि अभी स्लो डाउन तो है ही है, 2025 में रिसेशन में जाएंगे हम, और बहुत जगह से इंडिकेटर भी ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में खुशहाली बढ़ती जा रही है और जीएसटी कलेक्शन की आपने बात कही, बिल्कुल सही आप डायरेक्शन में जा रही हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मिल डॉट का मानना है दिवाली मंथ में, जी हाँ दिवाली मंथ में जीएसटी कलेक्शन 2.25 लाख करोड़ पार करने की संभावना है। क्योंकि अभी हमने देखा भगवान गणेश जी का उत्सव था, वहां पे काफी कंजम्पशन स्पेंडिंग हुई, उससे पहले रक्षाबंधन में चाहे गिफ्टिंग हो, चॉकलेट बॉक्सेस हो, स्वीट बॉक्सेस हो, रक्षाबंधन खुद जो राखी हो उसकी भी दबा के शॉपिंग हुई। तो ये सब चीजें ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी दिखा रही है। साथ ही साथ जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है तो सरकार के पास पैसा आता है, जिससे सरकार स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट सबका निर्माण करती है, जिससे देश की तरक्की होती है। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब है आम आदमी को फायदा, इकोनॉमी का दमखम, और सरकार के पास वो पैसा आ जाना जिससे सरकार आम आदमी के लिए तमाम बेसिक नेसेसिटीज और कंफर्ट बना सके। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी साहब की बहुत बढ़िया लीडरशिप के अंदर तरक्की कर रही है, जिस चीज का ये प्रूफ एविडेंस हमारे सामने अलग अलग तरीके से आ। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, आकाश जी का अपना ये आकलन लगातार हमारे साथ में जुड़ते हैं और उनकी भविष्यवाणी भी बेहद सटीक बैठती है।